Hyundai.com. विश्वास वही रफ्तार नई। पटना पुलिस ने राजधानी के कदमकुआं थाना क्षेत्र के बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स में हुए भीषण लूटकांड का खुलासा करते हुए दावा किया है कि इस घटना में संलिप्त चारों अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना पुलिस का दावा है कि लूट का 9 किलो सोना भी बरामद कर लिया गया है। पटना के एसएसपी ने इस बात की पुष्टि की है। एसएसपी मानोजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि इस कांड में चार अपराधी की संलिप्तता थी और चारों अपराधी की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस बड़े लूट कांड की साजिश जहानाबाद में रची गई थी और जहानाबाद के एक आभूषण कारोबारी का बेटा नितेश स्मेकियर इस पूरे लूट कांड में लाइनर की भूमिका अदा किया था। उसके कहने पर ही अपराधी वहां पर रेकी कर रहे थे और इस घटना को अंजाम दिए थे। इस लूट कांड में जहानाबाद के साधु और राजू केवट के अलावा पटना के सोनू आकाश भी शामिल थे। पटना एसएसपी की माने तो इस लूट कांड को अंजाम देने के लिए जनवरी महीने में दो बार रेकी की गई थी। पटना पुलिस का कहना है कि अपराधी आभूषण कारोबारी बनकर एसएस ज्वेलर में घुसे थे। ये लूटपाट का आभूषण ले जाने के लिए दो पिट्ठू बैग और एक झोला लेकर आए थे, जिसमें एक पिट्ठू बैग घटना के दिन ही बरामद कर लिया गया था, जबकि दूसरा पिट्ठू बैग पटना के संपतचक इलाके से सोनू नामक अपराधी के माँ बाप के घर से बरामद किया गया है। पटना पुलिस ने कुल 9 किलोग्राम सोना भी जब्त किया है, जबकि कारोबारी द्वारा 35 किलोग्राम सोना लूट की बात कहे जाने पर एसएसपी ने उनसे 5 सालों का हिसाब मांगा है और उनके द्वारा दिए जाने वाले जीएसटी से संबंधित कागजात की भी मांग की है, ताकि 35 किलोग्राम सोने की लूट की सत्यता की परख हो सके। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अपराधी लूट का फॉर्चूनर इस्तेमाल किया करते थे और पटना ही नहीं बिहार के अन्य जिलों में इस आराम से लूटी हुई इस फॉर्चूनर गाड़ी पर घुमा करते थे, जिसमें भारत सरकार का बोर्ड लगा हुआ था। इसके कारण इसे पुलिस वाले हाथ नहीं देते थे और अपराधी आराम से घटना को अंजाम देने के बाद या फिर आराम से शहर में घूमते फिरते थे। यह फॉर्चूनर कार पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र से चोरी चली गई थी। पुलिस ने अपराधियों के पास से चोरी के 2 फोर व्हीलर 5 बाइक भी बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने अपराधियों के पास से 3 पिस्तौल भी जब्त किए हैं। एसएसपी के मुताबिक घटना के लाइनर को छोड़कर सभी अपराधियों का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है। पुलिस पूरे मामले की अभी जाँच कर रही है और उम्मीद है कि 1-2 दिन में पुलिस को इनके सहारे एक और बड़ी घटना का खुलासा करने में कामयाबी मिल सके। दो देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 2 मैगजीन, 1 कट्टा में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, इसके अलावा जो 3 लोगों ने बाकी जगह से चुराए थे उन्हें रिकवर हुए हैं और 4 पहिया वाहन फॉर्चुनर और मन वाले रिकवर हुए। ये जो अपराध कर्मी है संजय कुमार, जिसने दिसंबर में से 2 इम्पोर्टेंट अपराध किए थे और पुलिस ने इनका पीछा करने पर ही भागा भी था। और इनका एक बहुत ही अच्छा लोगों का ये था कि लोगों का जो पूरा लोगों ने अपना फैशन किया है कि जब इन्होंने रैकी किया और उसी दुकान को इससे सेलेक्ट किया कि वो थोड़ा सा अंदर जाके थी और आम लोगों की नज़र से दूर थी। दूसरा, मालूम था कि होलसेलर की दुकान है, तो अगर 2 का हम लोग बोलेंगे तो हो सकता है लोगों को अंदर नहीं जाने थे। उसी में ही जो नितेश जो राइडर है उसी का ही इन्होंने सारी सूचना का उपयोग किया। ये फिर होलसेलर के नाम से मिले कि हम लोगों को नया दुकान खोलना है और हम लोगों को खुदरा में हम लोगों को चाहिए थे, उसका एंट्री हुआ। और जब ये 2 अपराधकर्मी अंदर थे वहाँ से, फिर जब इनको जरूरत पड़ी कि 2 और की आवश्यकता है, तो इनका कोड मोबाइल लोगों ने ऑन करके रखा हुआ और वहीं इन्होंने कोड दिया। पहले से लोगों का आपस में सेटिंग थी कि हम लोग बोलेंगे कि पानी पिलाओ। उन्होंने जब पूछा अंदर पानी पिलाओ तो बाहर वालों दोनों को पता चल गया कि बंदर आने के बारे में, तब तक इन्होंने गेट को खोल कर रखवाया और उनको अंदर
अंदर किसी तकरीबन 10 मिनट के अंदर रही उसकी तरफ घटना को अंजाम दिया है। जो जितना भी अभी तक रिकवर हुआ है अभी जो इनके वादी है जो कि संदीप का यहाँ से उनको हम नोटिस देंगे पूरा स्टॉक वेरिफिकेशन करवाने के लिए क्योंकि हमने कहा कि 35 KG सोना है और 14 लाख कैश है तो पूरा हम लोग इनवॉइस मांग रहे हैं और जो पिछले 5 वर्ष का उनका IT रिटर्न और GST रिटर्न से हम मान लेते हैं कि पूरे स्टॉक का हमने इसलिए कॉपरेट नहीं कर रहे उन्होंने हम उनका स्टॉक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं उनका जो भी उनके पास स्टॉक में जितना भी बस कहते हैं उसका इनवॉइस होता है जहाँ से वो सप्लाई करते हैं GST रिटर्न होंगे IT रिटर्न होंगे उसी के हिसाब से वो हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं और भी हमने उनसे क्वेरी किया है कि 35 KG सोना का पूरा लेख हम लोगों को दीजिए उन्होंने हमसे समय मांगा है उसी के हिसाब से पूरा टोटल रिकवरी सर केजीज में है केजीज में हम लोगों का जो रिकवरी है 6.5 KG है और जो पहले उनके पास बैग गया था जो उन्होंने खुद बोला है तकरीबन वो बता रहे हैं 2.5 KG में हालांकि टोटल कितना रिकवरी पहले और अभी उसको मिला के तकरीबन 9 KG इसमें क्योंकि देखिए टोटल 4 अपराधकर्मी है CCTV फुटेज में स्पष्ट है एक अपराधकर्मी पहले आ गया था बिना कुछ किए और एक अपराधकर्मी के पास पिट्ठू 2 अपराधकर्मियों के पास पिट्ठू बैग था और एक अपराधकर्मी के पास भरा था पिट्ठू बैग भी दोनों रिकवर हो गए हैं और उसमें जितना भी था वो कम्प्लीट भरा हुआ पिट्ठू बैग एक दूसरे में रिकवर हो गया था भरा हुआ पिट्ठू बैग अब रिकवर हो गया झोला में जो कैश था उसमें से रिकवर हो गया इनमें से हाँ इन लोगों ने एक रेंट पे खेलनी चलती है अपना रेंट पे रूम दिया हुआ था इतवार को लिया हुआ था तो वहीं पे पहले भागे हैं जो जहानाबाद वाले थे वो अपने घर पे चला गया घर पे भी नहीं जो वहाँ पे एक रेंट पे रखा हुआ था तो वहीं पे लोग चले गए क्योंकि उसको मालूम होता है कि अगर हम लोगों का छापामारी होगा तो घर पर ही छापेमारी और इसमें जो बरामदगी हुई है सबसे ज्यादा जो पिट्ठू बैग की बरामदगी हुई है वो संपत चंद से जो अपराधकर्मी है सनी कुमार जब उसको पता चल गया था कि मेरे बाकी साथी पकड़े जा रहे थे अपना सारा सोना अपने माता पिता के यहाँ पे संपत चंद में सरकार का चौका कस्टम लगाया हुआ है और ये गाड़ी को लेकर झारखंड वगैरह भी जाते रहे और उसके ऊपर हम लोग अलग से केस भी कर रहे हैं क्योंकि आप जो राजकीय सिंबल होते हैं नेशनल सिंबल होते हैं उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते ये गाड़ी आप कोतवाली थाना से चुनी प्रभात खबर .com विश्वास वही रफ्तार नहीं।